नमस्कार मित्रों, आप सभी को कॉटन गुरु का सादर नमन। कुछ दिन पहले फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया का कॉटन गुरु को एक फ़ोन आता है और हमारी बात होती है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को एक मेल किया है ये बताते हुए कि आज सीड इंडस्ट्री बहुत ही विकट समय से गुजर रही है। विकट समय से तो हम सभी गुजर रहे हैं। आज कोरोना वायरस के आते आते 2020 के मार्च महीने तक हमारी हालत ये हो गई कि ना हम घर से निकल सकते हैं, ना हम ऑफिस में जा सकते हैं, लेकिन कुछ इसेंशियल कमोडिटीज़ की छूट छाट सरकार ने दी है और वो बहुत ज़रूरी है, पर कुछ चीज़ें उनके ध्यान से रह गई हैं या रह गई होंगी, ये पॉसिबल है। उनमें से एक चीज़ थी सीड और फर्टिलाइज़र का मूवमेंट। तो इस बात को जब फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र सरकार के सामने ईमेल से उनके सामने पेशकश की, तो शायद इसकी सीरियसनेस उनको ध्यान में नहीं आई होगी, क्योंकि कुछ इमीडिएट एक्शन नहीं नज़र आया। लेकिन जब कॉटन गुरु ने इसके बारे में सोचा और अपने 50,000 किसानों के नेटवर्क से इसकी बात की कि इसका क्या असर हो सकता है, तो बहुत ही चौंका देने वाला सिनेरियो हमारे सामने आया कि अगर ये सीड आज तैयार नहीं होते हैं और अगले 15-20 दिन में वो पैक नहीं होते हैं, तो उत्तर भारत में जब मई महीने में सोइंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी बुवाई की, तब वो सीड अप्रैल तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे और महाराष्ट्र, गुजरात और सभी राज्यों में जब मई एंड से लेकर जून के बीच में जब बुवाई का समय आएगा, तब वो सीड कंपनियाँ नहीं पहुँचा पाएंगी। तो इस सिचुएशन की सीरियसनेस को बहुत अच्छी तरह समझते हुए कॉटन गुरु ने मंत्रालय में कुछ सूत्रों से इसका प्रेजेंटेशन किया और हमें बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत इसका रिस्पॉन्स दिया। कॉटन गुरु के प्रेजेंटेशन को बहुत सीरियसली लेते हुए 24 घंटे के अंदर एक नया नोटिफिकेशन बाहर आया है, नोटिफिकेशन नंबर 11836 27/3/2020। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत अब सीड, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की मूवमेंट पे भी कोई रुकावट नहीं होगी नेशनल लॉकडाउन के पीरियड में भी। और सभी आरटीओ और पुलिस वालों से हमारा निवेदन है कि किसी भी सीड, फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड कंपनी के गाड़ी को रोकने के समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि इस नोटिफिकेशन के अंदर अब ये मूवमेंट अलाउड है और ये छूट छाट दी गई है। खास करके पैकेजिंग में भी ये छूट छाट है, तो सीड इंडस्ट्री और फर्टिलाइज़र के लगते हुए कुछ भी पैकेजिंग मटेरियल के भी अगर मूवमेंट हो रही है, तो उन्हें भी छूट छाट इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत मिली है। तो हम सभी का ये दायित्व है कि इस छूट छाट का, इस स्पेशल छूट का हम भी मान रखें और सीड इंडस्ट्री समय से सीड तैयार करे जो हमारे किसान भाइयों को समय से मिले और आने वाले दिनों में हमें अन्य चीज़ों के साथ अन्न और फल सब्जी वगैरह भी समय से मिले। तो कॉटन गुरु की इस प्रेजेंटेशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, उसके लिए हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों तक इसका लाभ हम पहुंचा सकें। दायित्व तो हम सबका है और फ़ायदा भी हम सभी का है।